नमस्कार। आज हमारे साथ मुंबई भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी हैं। हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पर है। आप देख रहे हैं कि बस सारे नेता जो है इस समय पूरे देश में चुनावी प्रचार पर निकल चुके हैं। मुंबई की क्या ताजा स्थिति है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की क्या है, बंगाल की क्या है, आज सारे मुद्दों पर उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, एनडीए का जो नारा है इस बार भी 400 के पार, तो वह नारा भाजपा कहती है हमने नहीं दिया है, जनता ने इस नारे को गढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मोदी जी बोलते हैं इस बार तो जनता बोलती है 400 पार। तो अब ये नारा तो जनता का ही हुआ ना। मोदी जी जहां खड़ा होते हैं वहां पर ये बात जरूर आती है। तो जब जनता चाहती है कि भारत की आने वाली जो सरकार है, मोदी जी के अंडर में जो सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, वह 400 पार है, 400 पार हो, 400 पार की सरकार बने तो बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहां से इतनी सीटें लाएंगे, कैसे आपको लग रहा है कि 400 के पार भाजपा अपना आंकड़ा पूरा कर पाएगी? आप मुझे ये बताइए कि भारतवर्ष के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक क्या आपको मोदी जी के अलावा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व का नेता दिखता है क्या? जब कोई इस देश में नेतृत्व करने वाला नहीं है, कुछ पार्टियां हैं जो लोकल पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, वह कहीं कहीं दक्षिण में है अपनी जड़ जमाए हुए, लेकिन उसके अलावा तो भाजपा इस देश की, और हम यूं कहें कि इस देश क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी पार्टी अगर इस देश में इतनी सीटें हैं, 500 से ज्यादा सीटें हैं, और हम 400 पार की बात करते हैं, तो इसमें गलती तो कहीं नहीं है। और मोदी जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि जनता, मोदी जी के होने के नाते जनता खुद यह गारंटी मानकर चलती है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले 5 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, हम फार्मा में, पेट्रोलियम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, भिन्न भिन्न सेक्टरों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, ग्लोबल बनेगा, ग्लोबल मार्केट का मुखिया बनेगा। तो ये सब चीजें हमारे देश के नौजवान देख रहे हैं, हमारे देश के युवा देख रहे हैं। आप देखें कि अभी हमारा शपथ पत्र आया, हम कसम खाकर कहते हैं कि हम ये काम पूरा करने वाले हैं जी। उन लोगों ने घोषणा पत्र दिया है, तो घोषणा पत्र और शपथ पत्र में कितना अंतर होता है। हम कसम खाते हैं कि हम ये काम पूरा करेंगे, मोदी जी ने कसम खाया कि ये काम पूरा करना है जी। हम भाजपा के हर कार्यकर्ता उस काम को पूरा होना देखना चाहते हैं, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के बुजुर्गों के लिए, इस देश के कन्याओं के लिए। तो हम उसे पूरा करने की बात करते हैं। आपको मालूम है 15 लाख से ज्यादा लोगों ने सजेशन दिया है, उनके सजेशन पर भारतीय जनता पार्टी का यह पत्र बना है, चुनावी घोषणा पत्र बना है। तो हम तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं करती, अपने नेताओं की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी पार्टी इस देश के विचारधारा को मानकर, इस देश की विचारधारा को मानकर लोगों के मन की बात को पूरा करने पर विश्वास करती है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के लोग मन में जो है हम उसे पूरा करें। जहां तक बात की जाए तो विपक्ष जिस तरह से एनडीए को घेर रही है, उन्होंने ऐसा एक प्लान बना रखा है कि क्या देश में अयोध्या का राम मंदिर या धारा 370 यह मुद्दा है कोई विकास का मुद्दा है? आज युवा बेरोजगार है, लोगों को काम नहीं है, लोग घर पर बैठे हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई इस तरह से चरम पर है, तो ऐसे में कैसे लगता है आपको कि मोदी जी फिर से सफल हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब 10 साल पहले मोदी जी की सरकार आने वाली थी,
तब उस समय कांग्रेस भ्रष्टाचार पर घिरी हुई थी और उसी भ्रष्टाचार के नाते वो हारी थी। 66 सालों में शासन किया, क्या उसके भीतर अक्कल नहीं थी कि आज जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं उस 67 सालों में उन्हें पूरा नहीं करना था? क्यों नहीं पूरा किया उन्होंने? मोदी जी के लिए बचा के रखा था तो मोदी जी उसे पूरा कर रहे हैं। और बात यह है कि मुझे हंसी आती है कि विपक्ष नाम का कोई चीज है क्या? कौन है विपक्ष में? अरे वो तो एक बाल्टी में जैसे कि 10 12 15 20 केकड़े डाल दिए जाए और उन्हें कहा जाए तुम बाहर आओ, वही स्थिति है आज पार्टियों की। विपक्ष में लोग बना तो लिए इंडी गठबंधन, लेकिन उसका असर कहां पर है? हर राज्य तो अलग अलग हो गया है। ममता जी अपने लड़ रहे हैं, अखिलेश अपने लड़ रहे हैं, लालू जी अपने लड़ रहे हैं, यहां पर अपना राज चल रहा है, तो है कहां उसमें गठबंधन? बात करने वाले लोग उसमें केजरी जीते, तो केजरी जी जब आए थे तब वह भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आए थे, एक ऐसा आंदोलन लेके आए थे कि भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। आज वो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं और उस पर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी का फंसाएंगे, कोर्ट है, कोर्ट से जमानत लो, अगर कुछ भी उनमें गलती नहीं होती तो कोर्ट ने दे दिया होता, गलती है ना, इसलिए लोग फंसे हैं। आज सुबह पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उनसे मुलाकात की है, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें मिलने के लिए आधे घंटे जो समय दिया गया, सामने कांच लगा हुआ है और इसके बाद आतंकवादियों जैसा एक व्यवहार किया जा रहा है, तो वो सीएम है और उनसे मुलाकात के लिए इस तरह का नहीं। जब वो बंदी है, अपराधी है, तो वो अपराधी है, वो सीएम नहीं है। जब वो निकल कर आएंगे, जो दोष लगे हैं वो सब निकल जाएंगे, तब वो सीएम होंगे। आज वह हमारा आम आदमियों से कैसे कमजोर है केजरीवाल से? अगर हमारा आम आदमी बंदी है तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके साथ दूसरा व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? वो अपराधी है तो अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। क्या केजरीवाल चुनाव तक अपराधी रहेंगे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा चर्चा है? देखिए, आपको शायद याद होगा कि ईडी ने मोदी जी को भी बुलाया था और हमारे नेता अमित शाह जी को भी बुलाया था। मोदी जी 3 दिन बिना खाए पिए उनका जवाब देते रहे, एक बार भी विरोध नहीं किया, उन्होंने बुलाया सीधे चले गए। अमित शाह जी को बुलाया सीधे चले गए, कभी कोई जान नहीं पाया। राहुल जी जा रहे हैं पूरा बारात लेकर, केजरीवाल 5-5, 6-6 बार नोटिस आने पर महत्व ही नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता और उनमें कोई तुलना है क्या? हमारे नेता लोकतंत्र के उपासक हैं, लोकतंत्र के पुजारी हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की पूरी इज्जत करते हैं। ये लोगों ने लोकतंत्र का मखौल बना दिया है। इस तरह से देश में न सरकारें चलती है, न शासन चलता है, न कोई मुख्यमंत्री रह सकता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो एनडीए कितनी सीट ला रहे हैं? 48 सीटों में कितना सीट आप जीतने का दावा करते हैं महाराष्ट्र में? मुझे तो लगता है कि 1-2 सीटों की बात तो होती है अलग, लेकिन बाकी सभी सीटें तो